नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला हिंसा, सांप्रदायिकता के खिलाफ एवं शिक्षा व राशनिंग व्यवस्था में सुधार और अन्य कई जनमुद्दों मांगों को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति 5 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे से जंतर मंतर नई दिल्ली पर विशाल महिला रैली का आयोजन करने जा रही है। उक्त रैली की तैयारी में आज जनवादी महिला समिति गौतम बुद्ध नगर कमेटी ने जनपद गौतम बुद्ध नगर की कई बस्तियों सेक्टरों में माइक प्रचार, पर्चा वितरण, नुक्कड़ मीटिंग व जनसंपर्क कर महिलाओं से बड़ी संख्या में 5 अक्टूबर को जंतर मंतर नई दिल्ली पर होने वाली विशाल महिला रैली में शामिल होने के लिए की अपील। जनवादी महिला समिति के नेता आशा यादव ने जनसंपर्क अभियान के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तब से महिलाओं का जीना दूभर हो गया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है तथा महिला व सांप्रदायिक हिंसा में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए जनवादी महिला समिति ने बीजेपी, आरएसएस, हटाओ महिला बचाओ देश बचाओ नारे के साथ 5 अक्टूबर 2023 को जंतर मंतर पर विशाल देशव्यापी महिला रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से महिलाएं बढ़ चढ़ कर लेंगी हिस्सा। जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व जनवादी महिला समिति की जिला प्रभारी आशा यादव, जिला सचिव चंदा बेगम व वरिष्ठ नेता लता सिंह ने किया। समिति विशाल महिला रैली आयोजित करने जा रही है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला हिंसा, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कई सारी मांगों को लेकर के अभियान उनका चल रहा है। महिला समिति की नेता लता सिंह वाले बीच में बताएंगी जो है जो आखिरी रैली होने जा रही है। ये रैली इसलिए होने जा रही है कि ये भाजपा सरकार जब से आई है महिला हिंसा अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ा है और हमारे बीच भाईचारों को तोड़ते हुए चिंता अपनाई है कि ये घर को लेकर के हमारे बड़े हमारे इज्जत और महिलाओं भी एक महंगाई लेकर महंगाई और बेरोजगारी को ऐसा कर दिया है उसे हम दिया जा रहे हैं। भारतीय वाली महिला समिति पर को जनमंत्र हम करना पड़ता है और इंडिया करेगी सरकारी सभी घर होने में उसे का भी साथ चलना रही महिला समिति क्या करने जा रहे हैं बताएंगे। चंदा प्रचार कर रहे हैं आप जब से ये भाजपा की सरकार आई है महिलाओं पर हिंसा प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मणिपुर का घटना पूरे देश को हिला कर रख दिया है और बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर और शिक्षा को लेकर हम ये जंतर मंतर पर बहुत बहुत बड़ी बहुत बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार को ये दिखा दें कि ये गुंडागर्दी नहीं सहेंगे और ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो जो सरकार महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती वो इस तरीके से हमारे जो देश में जो कानून बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हमें जोरदार जोश से हम आह्वान बीजेपी, आरएसएस, हटाओ महिला बचाओ देश बचाओ नारे के साथ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति 5 अक्टूबर को जंतर मंतर नई दिल्ली पे एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है। जनवादी महिला समिति गौतम बुद्ध नगर कमेटी पूरे जनपद में अभियान चला रही है। बड़े पैमाने पे जनपद गौतम बुद्ध नगर से महिलाएं 5 अक्टूबर को जंतर मंतर पे होने वाली दिल्ली की रैली में जो शामिल होंगी। जंतर मंतर पे होने वाली 5 अक्टूबर की रैली के जो मुख्य मुद्दे हैं महिला समिति की नेता आशा यादव जो बताएंगे कि जो है कि मुद्दों को लेकर के जो है 5 अक्टूबर को जो है महिला समिति की जो है महिला रैली होने जा रही है। साथियों, आपको मालूम है कि देश भर में महिलाओं पर किस तरीके से हिंसा बढ़ती जा रही है। महिलाओं को पहले कभी देश में ऐसे नहीं हुआ था कि महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाए। मणिपुर की घटना ने सारे देश को हिला के रख दिया है। महिलाओं पर आए दिन बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए जंतर मंतर पर पूरे देश भर की महिलाओं ने इकट्ठा होकर इस आवाज को बुलंद करने का फैसला लिया है और इस भाजपा सरकार को तख्ते से हटाने का फैसला निर्णय लिया गया है। ऐसी सरकार मनुवादी सरकार हमें नहीं चाहिए जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती, जो महिलाओं के अधिकारों को वंचित करती है। ऐसी महिलाओं को हम देश में नहीं लाना चाहते और
जो अब हो रही है और बेरोजगारी आए दिन बढ़ती जा रही है, शिक्षा नीति बिल्कुल बिल्कुल हो गई है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे जनवादी महिला समिति ने निर्णय किया है कि हम ऐसी मनुवादी सरकार को हटा के रहेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।